प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो इस डायथर्मी मशीन के ऊपर है। ये चाइना की डायथर्मी मशीन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और फिजियोथेरेपी के पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, फिजियोथेरेपी के मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसके ये दो पैड्स होते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये इसके साथ कनेक्ट होते हैं। ये एक कनेक्ट नहीं है इस वक्त, यही इसका प्रॉब्लम है, हम इसको ठीक करेंगे। प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये इलेक्ट्रोड, इसको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं या पैड्स कहते हैं, ये पैड्स के जो तार है ये निकल गई है या कट गई है, जो भी है सिलसिला। तो हम इसको लगाएंगे और बताएंगे किस तरीके से करना है। और इस मकसद के लिए जो टूल दरकार हैं, मल्टीमीटर दरकार नहीं है, लेकिन मैंने रखा हुआ है, मैंडेटरी है। और दूसरे ये जो कटर प्लायर, ये नोस प्लायर और जो रेगुलर प्लायर है वो चाहिए इसके लिए। इसके अलावा सोल्डरिंग आयरन, गर्म वाला सोल्डरिंग आयरन और सोल्डरिंग वायर, ये दरकार है। तो हम इसको शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाला ठीक है, इसके साथ ये तार लगी हुई है, इसकी तार टूटी हुई है, और तार ये है इसकी, ये इसका सरा है, यहाँ से टूट चुका है, इसके अंदर ये यूँ लगा होता है। अब चूँकि निकला हुआ है, टूटा हुआ है, हम इसको दोबारा लगाएंगे, मैं बताऊंगा किस तरीके से लगाएंगे। ये एक सोल्डरिंग की वीडियो है, लेकिन बहरहाल थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बंदे को। तो ये इससे कैसे निकलता है, सीधा इसको खींच लें, ये निकल जाता है। ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ इस वाले इलेक्ट्रोड पे ये लगा होता है। अब इसको यहाँ हम सोल्डर अंदर नहीं कर सकते, जैसा कि देख रहे हैं काफ़ी गहराई में है, इसको निकालना पड़ेगा। इसमें से निकालने के लिए जो प्लास है आपका, वो पकड़िए और इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाइए। चूड़ियाँ हैं, थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स खुल जाएंगे और इस तरीके से ये बाहर आ जाएगा, जैसा कि आपने देखा बाहर आ गया। अब यहाँ पे सोल्डरिंग है इसकी, तो ये सोल्डरिंग हम दोबारा नए सिरे से करेंगे, और जो है तो इस तार को हम पहले तैयार करते हैं इसके लिए, सोल्डरिंग के पर्पज़ के लिए। तो तैयार करने का तरीका ये है कि थोड़ी सी इसकी इंसुलेशन, थोड़ा सा इसका सिरा काटिए ताकि नया सिरा निकले। मरल पहले हम इसकी इंसुलेशन काटते हैं कटर प्लायर से या चाकू की मदद से, इसकी इंसुलेशन काटिए। बड़ी मजबूत किस्म की केबल होती है, फ्लेक्सिबल है, रबर से बनाएंगी या सिलिकॉन वगैरह से, काफ़ी लचकदार है। इस तरीके से करके इसकी रबर काटिए, ये जैकेट है ऊपर जो लगी है, अंदर जो है तो इसकी इंसुलेशन है, उसको भी काट लेंगे, लेकिन ख्याल रखिएगा कि कोई केबल इसमें डैमेज ना हो। ज़्यादा केबलें हमने डैमेज नहीं करनी, ताकि ये मजबूत भी रहे हमारा जोड़। इस तरीके से करके हम इसको काट देते हैं। अंदर से देख सकते हैं ये तार है इसकी, और इसको थोड़ा सा हम काट लेंगे। नए सिरे को जोड़ना ज़रा आसान होता है, सोल्डरिंग करनी आसान होती है, और अच्छे से इसको साफ़ भी कर लेंगे इसी नोज प्लायर की मदद से, कटर प्लायर की मदद से, या चाकू की मदद से इसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये हमने इसकी सफाई कर डाली जनाब, अब जो है तो इसको सोल्डर करने की बारी है। कुछ लोग सोल्ड करना भी कहते हैं। और दूसरा ये कि ये जो तार है इसके अंदर, ये तार इसमें से गुजार लेते हैं इस प्लास्टिक पीस में से, ताकि बाद में इसको लगा ना सकें। इसके बाद इसको जनाब पकड़ के थोड़ी सी नई सोल्डर इसको लगाते हैं, सोल्डरिंग वायर से, कावे से या सोल्डरिंग आयरन से, ताकि पुरानी सोल्डरिंग जो है इसको हम हटा सकें। पुरानी को हटाना ज़रूरी है, पुरानी में गंद मंद मच जाएगा सारा, इसलिए काफ़ी बड़ी पार्ट है, बड़ा पार्ट है, तो इस वजह से इसको गर्म करना पड़ेगा पहले अच्छे से, तभी ये कहीं जाके सोल्डर होगा। तो हम नोज प्लायर की मदद से इसको पकड़ते हैं, गर्म हो चुका होगा, दूर से पकड़ेंगे, करीब से नहीं, क्योंकि नोज प्लायर भी हीट लेके जाएगा अपने साथ। तो इस तरीके से करके ना उसकी अच्छी सफाई कर लेंगे, ये देंगे सोल्डरिंग आयरन के मुंह में अच्छा खासा जो पुराना गंद है वो आ गया है, सोल्डरिंग का पुराना गंद जो है ना वो तारें वो हम हटा देंगे, क्योंकि उसमें फिर सोल्डर करना मुश्किल होता है पुराने तारों के साथ।
ये ज़रा अच्छे से हम इसको सोल्डर करेंगे मजबूती के साथ ताकि दोबारा आसानी से ना निकले। तो ये देखें काफ़ी सारा पुराना निकला है इसमें से, पहले बंदे ने भी जो किया है तो उसने अच्छे से नहीं किया था, साफ़ नहीं किया था, इस वजह से इसमें अच्छा खासा गंद रह गया था। अब ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका है, अभी भी हम इसको गर्म करते रहेंगे ताकि ठंडा ना हो बल्कि गरम गरम में ही इसको तार डाली जा सके। तो इस तरीके से हम नया जो है तो सोल्डरिंग वायर इसमें से काफ़ी सारा पिघला देंगे, ये जगह सोल्डरिंग वायर से भर जाए। अब इस तार की बारी है तो इसको भी हम थोड़ा सा पहले से ट्रेन कर देते हैं ताकि तैयार रहे सोल्डरिंग होने के लिए। इसमें सोल्डरिंग अच्छे से बननी चाहिए वरना ये सही से सोल्डर नहीं हो पाएगा। दूसरा बेस अभी तक ठंडा हो चुका होगा लेकिन दोबारा हम इसको गर्म कर देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इस तरह करके हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं और अब इसको पूरे को गर्म करेंगे, अच्छे से गर्म करेंगे ताकि ये इसमें पिघल जाए और पिघल के बैठ जाए। थोड़ी सी और सोल्डर लगाएंगे, इसको पिघलाने में मदद देगी, हीट ट्रांसफ़र में मदद देगी या हरारत मुंतकिल करने में मदद देगी कह लें क्या। थोड़ा सा और सोल्डर इसमें पिघला देते हैं, ये इसका बहाना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से बहना चाहिए, अच्छा नहीं बहेगा तो सोल्डरिंग अच्छा नहीं हो सकेगा, टंका अच्छा नहीं लगेगा। तो ये टंका बड़े अच्छे से लगाना है और बहना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं बह चुका है। तो अब हम इसको ठंडा करेंगे, कुछ देर ठंडा रहने देंगे, हिलाएंगे नहीं ताकि अपनी जगह पक्का हो जाए। अब ये ठंडा हो चुका होगा ऑलमोस्ट, हाथ लगाने के काबिल है। तो देख रहे हैं आप कि अच्छे से सोल्डरिंग हो चुका है, अच्छे से टांका लग गया इसको। अब हम इसका ये जो प्लास्टिक पीस है ये इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं और अपने ग्लास की मदद से इसको पकड़ के ना हम चढ़ा देंगे, इसकी चूड़ियाँ चढ़ा देंगे इस तरीके से करके। तो ये जनाब चूँकि गर्म था पूरी तरह से चूड़ियाँ बैठ गई, बस इतनी भी काफ़ी हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम इसको इसी पीस में दोबारा लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये जनाब हमारा बन गया इलेक्ट्रोड और दूसरे वाला भी, ये देखें दोनों बन चुके। तो ये हमारी वीडियो थी इसके ऊपर, इस मशीन के इलेक्ट्रोड या पैड्स के रिपेयर पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप के पास अगर इस तरह का छोटा सा कोई फॉल्ट आ जाए तो आप इसको ठीक कर सकेंगे घर में, क्योंकि बाहर की दुनिया में लोग इसके बहुत सारे पैसे ले लेते हैं और लेके जाना लाना बहुत बड़ी मुसीबत। तो आप ख़ुद भी ये काम कर सकते हैं चंद टूल्स की मदद से। तो बराए मेहरबानी ऐसे काम घर में खुद ही कर लिया करें बजाय इसके कि बंदा दूसरों के पीछे दौड़ता फिरे। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।